दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बुद्धि बंधन क्रिया के बारे में कि किस प्रकार की यह क्रिया है किस प्रकार के इसमें लक्षण मिलते हैं और कौन लोग आप पर यह क्रिया को करवा देते हैं और कैसे इसे ठीक भी किया जा सकता है क्योंकि आजकल कई लोग तो ऐसे हैं जिनको ये तक भी पता नहीं है कि उनकी बंधन किया है या फिर नहीं किया है क्योंकि उन्हें लक्षण के बारे में नहीं पता है तो दोस्तों इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से हम आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार के लक्षण इस बुद्धि बंधन क्रिया में प्राप्त होते हैं कैसे ये क्रिया को किया जाता है और कैसे इसे ठीक भी किया जा सकता है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीज़ों को आपको बताते हैं तो दोस्तों जैसा कि आज के वीडियो का टॉपिक है बुद्धि बंधन क्रिया के बारे में और इसके नाम से भी बिल्कुल स्पष्ट है कि यह बुद्धि बंधन क्रिया है यानी कि बुद्धि बंधन इसमें हो जाता है जिस भी व्यक्ति के साथ अगर यह बुद्धि बंधन क्रिया होती है उसे किस प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं ये आप सबसे पहले जान लें क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि बंधन क्रिया हो गई हो तो उसके साथ ये होता है कि उसके मन में बहुत ही ज्यादा बहुत सारे ख्याल और विचार इतनी तेजी से आते हैं कि जिन्हें वह कंट्रोल तक भी नहीं कर पाता है जब भी आपके साथ ऐसा हो कि आपके दिमाग में इतने ज्यादा ख्याल इतने विचार आने लगे कि आप उन्हें कंट्रोल तक भी ना कर पाए और वो ख्याल वो विचार आपके दिमाग में इतनी ऊर्जा को बनाने लगे कि आपके सर में दर्द होने लगे तो आप समझ जाएं कि यह बंधन क्रिया के लक्षण हैं और सबसे मुख्य बात तो यह है कि जितने भी विचार आते हैं जितने भी ख्याल आते हैं बिल्कुल टोटल इतने ज्यादा नेगेटिव आते हैं कि उस व्यक्ति को यह तक भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो इतना गंदा इतना नेगेटिव इतना बुरा आखिर सोच कैसे सकता है तो ऐसा जब भी उसके मन में आता है तो वह सबसे एक बड़ी गलती ये करता है कि अपने विचारों को नेगेटिव से पॉजिटिव करने की कोशिश करता है और जब भी ऐसे करता है तो उसके और नेगेटिव विचार और दुगनी तेजी से आना शुरू हो जाते हैं ये बड़ी ही ज्यादा मुख्य बात है क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ बुद्धि बंधन क्रिया होती है तो वह इस बात को भली भांति समझ सकता है कि जितना ज्यादा वह रोकने की या उन्हें बदलने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा और नेगेटिव होता चला जाता है क्योंकि यह एक बुद्धि बंधन क्रिया होती है तो सामने वाले जिस भी व्यक्ति ने किसी शत्रु ने किसी ने भी अगर आप पर यह क्रिया करी है तो वह कभी भी आपको पॉजिटिव सोचने नहीं देता है जब भी ऐसा होता है ये केवल इसीलिए किया जाता है जिससे आपकी बुद्धि को बांध दिया जाए आप नेगेटिव सोचते जाएं आप परेशान होते जाएं और केवल शत्रु ही तो इन सारी चीजों को करवाते हैं इसलिए शत्रु से दूर रहना बेहद अनिवार्य होता है अब दोस्तों सबसे पहली चीज तो आप यह समझिए कि जब भी आप किसी किसी व्यक्ति से दोस्ती करते हैं तो उस दोस्ती के साथ शत्रुता भी मुफ्त में प्राप्त होती है क्योंकि अगर कोई भी आपके व्यक्ति कोई भी आपके जीवन में शत्रु बनता है तो वो केवल किसी जमाने में आपका दोस्त रहा होता है या आपका अपना होता है आपका कोई रिश्तेदार होता है आपके अपने ही लोग होते हैं केवल वही शत्रुता का स्वभाव रखते हैं इस बात को भी ये समझिए कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बिल्कुल अनजान है तो वो क्यों आखिर आपसे शत्रुता का स्वभाव करेगा क्योंकि उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है आपकी बिल्कुल अलग है तो आखिर वो क्यों आपको परेशान करेगा इसलिए अपने ही जो लोग होते हैं अपने ही परम मित्र कभी रहे होते हैं या अपने ही कोई क्लोज होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं कामयाबी की ओर बढ़ते हैं तो इस प्रकार के शत्रु बहुत आसानी से और जीवन में रास्तों में जगह जगह प्राप्त होते हैं और आप ये खुद सोच के देखिए जब आप किसी से बड़ा बनने लगते हैं कामयाब होने लगते हैं तभी केवल सामने वाले व्यक्ति की शत्रुता और ज़्यादा प्रचंड होने लगती है जैसे कि कहीं से आपके पास पैसे आ जाएं, आपकी नौकरी बहुत अच्छी चलने लगे आप बिल्कुल सुखी जीवन बिताने लगे तो अपने ही लोग एक शत्रुता का स्वभाव करने लग जाते हैं और ये आजकल बिल्कुल एक आम जैसी समस्या हो गई है कि इस चीज से 80 परसेंट लोग आजकल की दुनिया में इतने ज्यादा परेशान रहते हैं कि बाहर तो उन्हें बिल्कुल सुकून की प्राप्ति होती है लेकिन जैसे ही अपने घर में आते हैं तो उनके एक सर में दर्द सा होने लगता है या कभी अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं उनके बारे उनको देखते हैं तो एक जलन की भावना सी आने लग जाती है तो इस प्रकार के आजकल लोग हो गए हैं और इसी के कारण ये बुद्धि बंधन क्रिया स्तंभन उच्चाटन या जितनी क्रिया होती हैं तांत्रिक क्रियाएं होती हैं और जब किसी व्यक्ति पर हो जाए तो उसकी बिल्कुल एक दुर्गति की तरह हो जाती है जैसा कि हमने आपको बताया पिछले काफ़ी वीडियोज में बताया है कि इंसान के शरीर में उसका जो दिमाग होता है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है और उसी शक्तिशाली चीज़ को अगर कोई बांध दे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भयंकर चीज़ें उस व्यक्ति के साथ जीवन में होने लग जाती है सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इतने भयंकर टोटल नेगेटिव विचार उसके जीवन में आते हैं दूसरी चीज़ यह है कि उसको सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है खाने में पीने में यानी हर एक चीज़ में उसे बहुत दिक्कत होने लगती है अगर वो पहले बहुत लोगों से बात करता था हंसता था खेलता था इंजॉय करता था तो एकदम से ही उसकी दुनिया सी बिल्कुल पलट जाती है लोगों से वह भागने लगता है क्योंकि उसे पता है कि उसका दिमाग ही बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है क्या वह बोल दे क्या वह कर दे तो इन चीजों से डरते डरते वह बहुत ज्यादा एक डर के जैसा जीवन जीने लग जाता है और अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेता है अब आप ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति सही से खा नहीं पा रहा है टी तक नहीं देख पा रहा है गाने तक नहीं सुन पा रहा है तो आखिर क्या वह कार्य कर सकता है जब वह सही से सो ही नहीं पा रहा है तो क्या काम करेगा इसीलिए यही वजह होती है कि अगर किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया हो जाती है तो वो बिल्कुल काम नहीं कर पाता नौकरी सही से नहीं कर पाता करने की कोशिश करता है उसके शरीर में बहुत ज्यादा थकावट बनने लग जाती है अब जब किसी के शरीर में थकावट होगी तो आखिर वह कैसे काम करेगा तो इतनी सारी चीजें उस व्यक्ति के साथ होने लगती है उसकी आंखों में खास करके अगर किसी के ऊपर बहुत भयंकर तंत्र क्रिया करी गई हो तो उस व्यक्ति की आंखों में कान में दर्द रहता है उसके सर में दर्द रहता है उसके गले में दर्द रहता है और ख़ास करके जब वह सोता है तो उसे ये लगता है कि उसकी छाती पर कोई बैठ गया है उसके पेट को कोई दबा रहा है खास करके उसे खाना पचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है क्योंकि ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं तांत्रिक क्रियाएं होती हैं खास करके ये बुद्धि बंधन वाली उच्चाटन वाली स्तंभन वाली ये जितनी क्रियाएं होती हैं बहुत ज़्यादा भयंकर होती हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि ये नेगेटिव होती है और नेगेटिव चीज़ों को आसानी से करा भी जा सकता है और यही वजह है क्योंकि आजकल प्रयोग इजीली अवेलेबल हैं तंत्र इजीली अवेलेबल है हर कोई कर सकता है और हर कोई कर भी रहा है तो आपस में एक दूसरे पर ही ऐसी चीजों को प्रयोग कर लेते हैं इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके बारे में उन्हें जो करता है उसे भी इतना नहीं पता होता है कि इतना ज़्यादा उस व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है अब ये सारी चीजें ये सारे लक्षण हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि जब हमें लोग मैसेज करके पूछते हैं और अपने इन चीज़ों के बारे में बताते हैं तो हमें भी हैरानी होती है तो हम जानते हैं क्योंकि बुद्धि बंधन में स्तंभन में तंत्र क्रियाओं में इसी प्रकार के लक्षणों की प्राप्ति होती है कई लोगों के साथ तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उन्हें अदृश्य चीज़ें भी दिखाई देने लग जाती हैं क्योंकि उस व्यक्ति की बुद्धि को बांध लिया जाता है तो उस व्यक्ति को अब चाहे जो मर्जी दिखाया जाए वो उसे बिल्कुल सच जैसा और बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है और यही वजह है कि उसके मन में बहुत ज़्यादा डर उत्पन्न होने लग जाता है उसके शरीर में दर्द होने लग जाता है चिंता वो बहुत ज़्यादा करने लगता है तरह तरह की दवाइयाँ तरह तरह के नशे करने लग जाता है और इसी की वजह से उसकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये इस प्रकार के आम बिल्कुल बेसिक लक्षण हमने आपको बताए हैं वैसे इसके लक्षण और भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वे सो रहे होते हैं तो उन्हें इस तरीके से लगता है कि उनके कमर पे कोई चढ़ रहा है उनके पैरों पे कोई रेंग रहा है इस तरीके की चीज़ें भी बहुत लोगों के साथ होती हैं तो इतनी भयंकर ये क्रियाएं होती हैं तो ये हमने आपको लक्षण बताए हैं कि जब इसकी शुरुआत होती है तो इसकी शुरुआत केवल विचारों से शुरू होती है तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके विचार आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं तो आप यह समझ जाएं कि आपकी बुद्धि बंधन हो गया है किसी ने कर दिया है और कई बार ऐसा भी होता है कि नेगेटिव शक्तियां होती हैं किसी शत्रु ने अगर ना भी करवाया हो तो कई बार ऐसा भी होता है कि पिछले कर्मों की वजह से या पिछले पाप की वजह से बुरी शक्तियां पकड़ लेती हैं जैसे कि आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे कि किसी सुनसान जगह पर गए और जब लौटे तो बिल्कुल ही अलग हो गए उनके ऊपर पूरी नेगेटिव शक्तियां हावी हो गई इस प्रकार से भी होता है तो इसमें लक्षण किस किस प्रकार के मिलते हैं सबसे पहले तो यही है कि विचार उसके आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं उसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ बुद्धि बंधन हो जाता है कोई नेगेटिव शक्ति उसके ऊपर हावी हो जाती है तो सबसे पहले उसे ही पता लग जाता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो गया है अब ये संकेत हमारी आत्मा ही देती है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं और यही वजह है कि अपने जीवन में फिर वह परेशान रहते हैं हमारी जो आत्मा होती है एक प्रकार का यंत्र होती है क्या अच्छा होने वाला है क्या बुरा होने वाला है यह सारी चीजों को वह जानती है स्वप्न तक में भी वह सारी चीजों को दिखाती भी है और लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं तो अब दोस्तों आपने ये तो जान लिया है कि कैसे ये क्रिया होती है कौन इन्हें करवाता है और किस किस प्रकार के लक्षण की प्राप्ति होती है अब सबसे आखिरी बात यह है कि अगर जब भी आपको पता लग जाए कि आप पर तंत्र क्रिया कोई बुद्धि बंधन क्रिया स्तंभन मारण क्रिया उच्चाटन क्रिया हो चुकी है तो कैसे इससे बचना है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इस परेशानी को बड़ी इजीली और बहुत तेजी से बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है यह समझ लीजिए कि जितने भयंकर इसके लक्षण होते हैं उतनी ही आसान इसे ठीक करना होता है परेशानी और समस्या केवल इतनी सी है कि बहुत सारे लोग इसे जानते ही नहीं है इतने विस्तार से जैसे हमने आपको इस वीडियो में बताया है इतने सारे लक्षण बताए हैं और काफी लोगों के साथ ऐसा होता होगा तो यह परेशानी आखिर क्या है इसी चीज को बहुत लोग नहीं समझते हैं और समझते भी हैं तो उन्हें यह नहीं पता होता है कि, कि इस परेशानी को आखिर ठीक कैसे करना है जिस आसानी के साथ यह परेशानी घेर लेती है उसी आसानी के साथ ये परेशानी बिल्कुल डर कर खत्म हो जाती है भाग जाती है यानी कि और यह भी जान लीजिए कि एक बार अगर, अगर आप इस परेशानी से निकल गए तो जीवन में फिर कभी भी आप पर यह परेशानी नहीं होती है तो मंत्र विज्ञान में और तंत्र विज्ञान में सबसे प्रचंड जो देवी हैं वह महाकाली हैं और दस महाविद्या की जो उग्र देवी हैं क्योंकि दस महाविद्या में सौम्य देवी और उग्र देवी दोनों प्रकार की देवी होती हैं जो उग्र देवी हैं जैसे महाकाली बगला मुखी छिन्ना मस्ता धूमावती यही इसकी तंत्र काट भी हैं यानी कि जितनी भी ये क्रियाएं हैं जितनी नेगेटिव क्रियाएं हैं भूत प्रेत की बाधाएं हैं इन्हीं मंत्र विज्ञान से ये ठीक भी हो सकती हैं और धूमावती तो इतनी प्रचंड साधना है कि अगर इसके प्रयोग आपने कर लिए तो ये समझ लीजिए कि शत्रु आपका बाल तक बांका नहीं कर सकता और यहां तक कि, कि किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया किसी भी प्रकार का भूत प्रेत आपको परेशान करना तो दूर की बात है अगर आप कहीं पर चले जाएंगे तो वो खुद ही आपसे डर कर भाग जाएगा आप कितना भी उन्हें बुलाएंगे वो आपसे ऐसे डर के भागेंगे जैसे शेर को देख के हिरण भागता है तो ये शक्ति केवल छिन्नामस्ता साधना, साधना से भी प्राप्त होती है और खास करके बगला मुखी साधना महाकाली की साधना करने से भी प्राप्त होती है लेकिन इनमें सबसे प्रचंड जो साधना होती है वो धूमावती साधना होती है और काफी एडवांस यह साधना होती है केवल इतनी ही शक्ति नहीं उस व्यक्ति को और भी बहुत सारी शक्तियों की प्राप्ति होती है जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वह बिल्कुल फिजिकली इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसे बीमारियां बिल्कुल भी नहीं घेरती अगर वो ठंड में बिल्कुल बिना कपड़ों के भी खड़ा हो जाएगा तब भी उसे ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी और बिल्कुल भी वह बीमार नहीं पड़ेगा फिजिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और जिन जिन चीज़ों को अपने मन में वह कामना करता है सोचने लगता है कि उसे बहुत धन की प्राप्ति हो उसे ये चीज़ प्राप्त हो उसे वो प्राप्त हो तो बहुत तेजी से उसके जीवन में वो सारी चीज़ें आने लगती हैं वैसे तो इसके लाभ बहुत सारे हैं उसके लाभ के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस प्रयोग के बारे में जान लें कि धूमावती साधना का प्रयोग किस प्रकार करना है वैसे तो इस प्रयोग को करने के लिए भी धूमावती साधना को करना बेहद अनिवार्य है लेकिन फिर भी आप इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं अगर आपकी परेशानी शुरू हुई है या थोड़ी है तो आप इस प्रयोग को करना बिल्कुल शुरू कर दें जिससे ये परेशानी बिल्कुल भी आगे ना बढ़े इस परेशानी को सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि इस परेशानी से डरना बिल्कुल बंद करिए क्योंकि इस परेशानी को तेजी से और आसानी तरीके से ठीक किया जा सकता है इतनी तेजी से किया जा सकता है कि मात्र 10 दिन में 15 दिन में यह परेशानी पूरी तरीके से ऐसी ठीक हो जाती है जैसे बिल्कुल कभी हो ही ना ये चीज इतने विश्वास से हम इसलिए आपको बोल पा रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारी परेशानियों के साथ लोगों को हमने ठीक होते हुए और करा है और बिल्कुल उस स्थिति में लोग वापस पहुंच जाते हैं ठीक होने के पश्चात जैसे वो पहले थे यानी कि इस परेशानी का एक परसेंट भी प्रभाव दोबारा ना तो उत्पन्न होता है और ना ही उस प्रकार की चीजें उस व्यक्ति के साथ फिर होती हैं अब एक बार वह व्यक्ति अगर ठीक हो गया तो बस ठीक हो ही जाता है पर आपने खुद भी काफी लोगों को देखा होगा जो बताते होंगे कि उन पर तंत्र क्रिया हुई थी भूत प्रेत की क्रिया हुई थी किसी भूत ने उन्हें पकड़ लिया था और जब वह ठीक हो जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल डर लगना बंद हो जाता है फिर उन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी चीज से जीवन में डर नहीं लगता है क्योंकि हर प्रकार के डर को वह जीत के आगे निकल चुके हैं तो दोस्तों ये बहुत ही विस्तार से हमने आपको बताया है अब इसे ठीक करने का जो मंत्र है वो आप जान लें धूम धूम धुमावती ठा ठा इसका मंत्र है धुमावती साधना का जैसा कि हमने आपको बताया कि धूम धूम धुमावती ठा ठा जब आप बोलते हैं तो इसे जब आप बोलते हैं तो शरीर में हमारे एक हथोड़े जैसा प्रभाव पेट पर होता है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के साथ ये परेशानी होती है तो सारी उसकी परेशानी उसके पेट में और उसकी चेस्ट में जितनी नाड़ियां होती हैं उनमें बीच में फंस जाती है इसीलिए यही वजह है कि जो व्यक्ति इन परेशानियों से परेशान हो रहा होता है उस व्यक्ति की पाचन क्रिया बिल्कुल बंद हो जाती है उस व्यक्ति की चेस्ट बहुत ज्यादा हैवी रहने लग जाती है बहुत ज्यादा वीक सा महसूस करने लग जाता है और उसका हाजमा ठीक नहीं रहता है तो जब आप इस मंत्र को बोलते हैं धूम धूम धूमावती ठा ठा जैसा हमने आपको बताया ठा ठा जब आप बोलते हैं तो आपको जोर डालना है जिससे वो हथौड़ा आपके पेट में चलने लगे जो आपने जकड़न और अकड़न बना ली है और जो उस परेशानी की वजह से बन गई है वो टूट सके अगर इस मंत्र की साधना को एडवांस तरीके से किया जाता है तो तुरंत उसी समय से यह क्रिया कार्य करना शुरू कर देती है लेकिन अगर आपकी परेशानी कमजोर है और आप नए नए इस परेशानी में फंसे हैं तब इस मंत्र क्रिया को जो ये छोटा सा प्रयोग हम आपको बताएंगे इसको करके आप लाभ उठा सकते हैं जैसे कि जब भी आपको लगता है कि ऐसी परेशानियों ने आपको घेर लिया है किसी ने कुछ कर दिया है अब शत्रु कुछ करने वाला है और ये चीज तभी कार्य करती है जब परेशानी छोटी होती है जब परेशानी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उसके लिए तो फिर ऑपरेशन ही करना पड़ता है एडवांस साधना ही करनी पड़ती है लेकिन आप इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं आपको केवल इतना करना है कि एक शीशे का गिलास लेना है उसमें पानी भरना है और पानी उसमें गर्म आपको भरना है इतना गर्म भरना है कि उसे आसानी से आप पी सकें उस शीशे के गिलास में पानी को भर के धूम धूम धूमावती ठाठा मंत्र का जाप कम से कम पंद्रह मिनट आपको करना है मैक्सिमम आधा घंटा एक घंटा किया जा सकता है ऐसा करने के पश्चात उस पानी को धीरे धीरे करके पी लेना है जैसे ही ये मंत्र की क्रिया को आप करेंगे आप ये देखेंगे कि आपके शरीर से आपके मन से आपके दिमाग से नेगेटिव ख्याल नेगेटिव विचार दूर होने लगे हैं और लगातार अगर दिन में तीन बार चार पांच दिन तक इस क्रिया को किया जाए तो तुरंत तेजी से वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है वैसे तो दूमावती साधना सभी को करनी चाहिए क्योंकि आजकल शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और तंत्र क्रिया ना जाने कौन कौन सी क्रिया वे करवाते रहते हैं जिसकी वजह से विचार इतने ज्यादा आते हैं सर में दर्द होता है नींद नहीं आती है कोई व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर पाता है तो इतना परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है जब इन चीजों को ठीक किया जा सकता है तो एडवांस साधना अवश्य ही करनी चाहिए अगर आपकी परेशानी बहुत ज्यादा बड़ी है और अलग ही प्रकार के लक्षण और भयंकर लक्षण आपके साथ होते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं हम आपकी सहायता करने का पूर्ण प्रयास करेंगे और वैसे अगर इस प्रयोग को भी करते हैं तो भी लाभ प्राप्ति बिल्कुल निश्चित है और 100 परसेंट है क्योंकि धूमावती साधना इतनी प्रचंड इतनी खास और इतनी तीव्र साधना है कि इन साधनाओं को जो भी व्यक्ति करता है जैसे कि धूमावती साधना महाकाली छिन्नामस्ता साधना बगलामुखी साधना तो इन साधनाओं के जो साधक होते हैं बहुत ही ज्यादा प्रचंड और विशेष होते हैं बल्कि उन लोगों के पास इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति भी उन्हें होती है जो परम गहराई वाले ज्ञान होते हैं जो किसी किताब में नहीं लिखे होते कहीं भी नहीं लिखे होते जो बातें केवल आत्मा समझ सकती है ऐसे ज्ञान की प्राप्ति केवल इन्हीं दस महाविद्या की जो उग्र देवियां हैं उन्हीं से प्राप्त होती है और यही वजह है कि इन्हें अति प्रचंड कहा जाता है क्योंकि इन देवियों की साधना करने से जो नीचे के हमारे मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर और हृदय चक्र हैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और ये जिस भी व्यक्ति के पावरफुल हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल निडर सुखी और आनंदमय जीवन जीता है ये जो क्रिया हमने आपको बताई है तुरंत तेजी से असर करती है तो आप अवश्य करें और इसका लाभ उठाएं आज के लिए केवल इतना ही अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं ओम नमः शिवाय हर हर महादेव